नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामेंद्र सिंह चौहान। भारत में एक बड़ी समस्या है, यानी अपने देश में एक बड़ी समस्या है बिजली की। उपभोक्ता चाहे वो शहर में हो या गांव में हो, किसान हो या नौकरी पेशा, सभी को बिजली की आंख मिचौली का सामना करना पड़ता है, जिससे कई बार काम काज प्रभावित होता है, तो कई बार सुख चैन चला जाता है, यानी दिनचर्या प्रभावित होती है हर हालत में। बिजली के हाल यह है कि जितनी आवश्यकता है उससे कहीं कम बिजली की आपूर्ति हो पाती है, जिससे बिजली वितरण केंद्र कई बार कटौती करते हैं। इस कटौती से आम शहरी हो या गांव का किसान, सभी को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। अब देखें तो देश की कुल आबादी का 70% हिस्सा, यानी 70% आबादी आज भी गांव में रहती है, गांव गिराव में रहती है, खेती किसानी से लेकर छोटे मोटे रोजगार करती है। इन सभी को बड़े पैमाने पर बिजली कटौती का सामना करना पड़ता है, जिससे उनकी दिनचर्या प्रभावित होती है। अब देखें तो एक सामान्य तौर पर देखें तो शहरीकरण के इस दौर में भी विलेज एक ऐसे बचे हैं जिन पर शहरी रहन सहन का असर तो हुआ है, लेकिन वह प्रभावित भी बड़ी तादाद में हुए हैं। हालांकि आज भी गांव शहर की इस भाग दौड़ से दूर है, यानी गांव आज भी शहर के इस भाग दौड़ से दूर है, यानी गांव का अपना कल्चर अभी भी बरकरार है। अब वैसे देखें तो सामान्य तौर पर गांव की उपयोगिता बड़ी है। 136 करोड़ की आबादी वाले इस देश में करीब 6,28,221 गांव है, जहां उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 1,07,753 गांव है। अब इन गांवों की बड़ी समस्या है बिजली। शासन और सरकार भले ही यह वादा करें या दावा करें कि गांवों को शहरों को बिजली पर्याप्त मिल रही है, लेकिन बड़ी तादाद में बिजली कटौती का सामना लोगों को करना पड़ता है, परेशानियों को झेलना पड़ता है। इन परेशानियों से निजात पाने के लिए सरकार कई बार उपाय करती है, कई बार उपक्रम करती है, लेकिन अभी तक हालात यह है कि इससे निजात नहीं मिल सकी है। बिजली कटौती खास तौर से गर्मी के दिनों में, यानी आजकल गर्मी के दिनों में बिजली कटौती का सामना बड़ी तादाद में करना पड़ता है, जिससे परेशानी का सामना करना पड़ता है। अब देखें तो दुनिया भर में बिजली संकट है, लेकिन भारत में यह बिजली संकट कहीं अधिक है। हालांकि ऐसा नहीं है कि भारत सरकार कोई उपाय नहीं कर रही है, कोई कोशिश नहीं कर रही है, लेकिन कोशिशें यह नाकाम दिखती हैं। चाहे वह सौर ऊर्जा की बात हो या वैकल्पिक ऊर्जा की बात हो या हाइड्रोजन का उपयोग किया जाना हो, इस दिशा में सभी क्षेत्रों में सरकार देख रही है और प्रयास चल रहे हैं। सौर ऊर्जा ने एक बड़ा आयाम विकसित किया है और शहरों से लेकर गांव तक, चाहे वो खेती किसानी में गांव में सोलर पंप चलाने हो या बिजली लानी हो, सौर ऊर्जा का भरपूर इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन अब वैज्ञानिकों ने इसको और भी व्यापक स्वरूप दिया है। वैज्ञानिकों ने नए शोध किए हैं, नए विकल्प दिए हैं। वैज्ञानिकों ने सोलर का जो अब सिस्टम है उसको काफी ट्रांसपेरेंट बनाने की कोशिश की है, यानी जो सोलर पैनल लगता है उसको ट्रांसपेरेंट कर दिया है। यह वैज्ञानिकों की खोज बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ी सुविधा है, बड़ी सहूलियत है, जिससे बिजली उपभोक्ता राहत महसूस करेंगे। और काफी इसमें आयाम ऐसे विकसित किए गए हैं, आयाम ऐसे दिए गए हैं जिससे
आप खिड़की का शीशा यानी ट्रांसपेरेंट सिस्टम आया है सोलर पैनल का, सोलर पैनल अब ट्रांसपेरेंट लाए गए, यह वैज्ञानिकों की खोज है। और जिस प्रकार आप खिड़की में शीशा लगाते हैं नॉर्मल तरीके का, वहां आप सोलर पैनल लगाकर आप बिजली बना सकते हैं जिससे आपका घर रोशन होगा। बड़ी इमारतें यानी मल्टी स्टोरेज में बड़ी तादाद में इस ट्रांसपेरेंट सोलर पैनल का इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे हाई राइज बिल्डिंग्स में रहने वाले या उनमें जो कार्यालय हैं, उनमें दफ्तर हैं, उनको रोशन किया जा सकता है बिजली से। यह बिजली सोलर पैनल के जरिए मिलेगी और सोलर पैनल का खर्च भी बहुत अधिक नहीं आ रहा है। हालांकि अभी इसका विकास होने के बाद यह मार्केट में बहुत प्रचारित नहीं है, बहुत संख्या में नहीं पहुंच पाया है, लेकिन फिर भी आपको हालांकि अभी यह कल्पना लग रही होगी लेकिन ऐसा नहीं है, वैज्ञानिकों ने इसे तैयार किया है और वैज्ञानिक इसे शीघ्र ही बाजार में ला रहे हैं। हालांकि अब देखें तो 2020 में अमेरिका और यूरोपीय देशों ने इसको तैयार कर लिया था, 100% सोलर पैनल ट्रांसपेरेंट तैयार हो रहे हैं वहां, यानी यूरोप और अमेरिकी देशों में, अमेरिका और यूरोपीय देशों में ट्रांसपेरेंट सोलर पैनल सिस्टम काफी पहले से यानी 2 साल यानी 2020 से काम कर रहा है और वहां उपभोक्ता इस ट्रांसपेरेंट सोलर पैनल का उपयोग कर रहे हैं और बिजली बना रहे हैं जिससे उनके घर रोशन हो रहे हैं, उनके घरों में रोशनी हो रही है। लेकिन अब वह दिन दूर नहीं है और भारत में भी आप देखेंगे कि ये ट्रांसपेरेंट सोलर सिस्टम किस स्तर पर कामयाब होता है और इसका उपयोग किस स्तर पर होता है। अब ऐसे देखें तो बिजली के बिल लोगों के लिए एक बड़ी समस्या है, इस बिल से भी आप निजात पा सकते हैं क्योंकि यह ट्रांसपेरेंट सोलर सिस्टम, यह ट्रांसपेरेंट सोलर पैनल आपके घरों में बिजली पैदा करेगा, आपकी जरूरतों को पूरा करेगा। लिहाजा अब सरकारी विद्युत वितरण केंद्र के भरोसे नहीं रहेंगे, उन पर निर्भर नहीं रह सकते हैं। आप अपना सोलर पैनल लगाकर, ट्रांसपेरेंट सोलर पैनल लगाकर आप बिजली बना सकते हैं, घर में उपयोग कर सकते हैं। इस प्रकार देखें तो ट्रांसपेरेंट सोलर विंडो यह निकट जल्द ही बाजार में आएगा। वैज्ञानिकों ने इसकी खोज की है, इस पर शोध किया है, इस पर अध्ययन किया है, इसे तैयार किया है। अब वैज्ञानिक इसे बाजार में लाने के लिए तैयार हैं और यह बाजार में जल्द ही आएगा, ऐसे संकेत मिल रहे हैं सिस्टम से। अब देखें तो हाई राइज बिल्डिंग्स में यह एक बड़ा उपयोग हो सकता है। हाई राइज बिल्डिंग्स में सोलर पैनल लगाने के लिए जिस प्रकार ग्लास लगता है, उसी प्रकार ट्रांसपेरेंट सोलर पैनल लग करके पूरी हाई राइज बिल्डिंग को रोशन कर सकता है, इसमें कोई शक और संदेह नहीं है, क्योंकि यह यूएस और अमेरिका और यूरोपीय देशों में बहुत ही बड़े स्तर पर कामयाब दिख रहा है। इस प्रकार देखें तो इसमें कोई शक संदेह नहीं है कि भारत में भी यह सिस्टम काम करेगा और सफल होगा। इस प्रकार देखें तो ट्रांसपेरेंट सोलर कंसेंट्रेटर जो अब आपके नजदीक और निकट ही आएगा, इस प्रकार आप देखेंगे कि बिजली के बिल से आपको राहत मिलेगी, कटौती होगी और बड़ी तादाद में आप राहत पाएंगे। आपने इस वीडियो को देखा, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें अवश्य बताएं, वीडियो को शेयर करें, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे हमारे आने वाले वीडियो, आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूलें, आप लाइक करते हैं तो हमारा मोटिवेशन होता है, हमारा प्रोत्साहन होता है। आपने वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।